आगे देखेंगे आपको। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रति से कुछ पंक्तियों से आरंभ करना चाहूँगा। समय का अभाव है, अंतिम वक्ता भी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। थैंक यू सर। मैं अब आज इस लैंडमार्क बजट पर जो आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, मैं यही समझता हूं कि सर यह कालखंड जब इतिहास के पन्नों में जाएगा तो मानव विपत्तियों का ये एक ऐसा कालखंड लिखाएगा कि जिसके बाद, इस बजट के बाद, पूरे दुनिया का, विश्व का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का नींव रखा जा रहा है। और यह बजट बहुत मायने में अलग है सभापति महोदय, क्योंकि यह कंप्लीट डायरेक्शनल चेंज का बजट, सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, भारतीयता के झलक के साथ, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, अंतिम का उदय हो और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, यह ऐसा बजट। चेयरमैन सर, तुलनात्मक स्थिति का निर्माण लगभग इसी तरह 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला था, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ बेरोजगारी 4% से 25% तक चला गया था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने हिम्मत करके एक नई नीतिगत व्यवस्था निर्मित की अमेरिका को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसको बोला जाता है न्यू डील। द न्यू डील फोकस्ड ऑन द 3 R's, रिलीफ फॉर द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड, रिकवरी ऑफ द इकॉनमी एंड रिफॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम दैट हैड ऑल बट कोलैप्स्ड। अपार्ट फ्रॉम एन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, रूजवेल्ट लॉन्च्ड अ मेजर प्रोग्राम टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, स्कूल्स, डैम, एयरपोर्ट्स एंड हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड जॉब्स एंड इनकम टू अनएम्प्लॉयड मिलियंस एंड द डिवास्टेटेड अमेरिका सेल्ड थ्रू। महोदय, 2020 का यह पैंडेमिक जो हुआ है विश्व की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को झंझोर दिया है। 2020 हमारा GDP 40 साल में पहली बार नेगेटिव हुआ है और लगभग 122 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं इस लॉकडाउन में। प्रधानमंत्री मोदी के पास पूर्व के 4 उदाहरण थे नेगेटिव GDP ग्रोथ के, 1958 के, 1966 के, 1973 के और 1980 के, लेकिन इन सभी 4 उदाहरण के समय हैवॉक इतना बड़ा नहीं था। लेकिन इस विपत्ति ने पूरी सोच और मनोस्थिति को परिवर्तित कर दिया है और भारतीय स्थिति का न्यू डील की कल्पना की गई है, जिसमें वेलनेस एंड वेल्थ पूरे राष्ट्र के हित में समाहित। महोदय, पिछले 2 दिनों से बजटीय चर्चा भी चल रही है, तरह तरह की बातें आई हैं और अलग अलग स्वर देखने को मिला है। स्थिति में सुधार है पूरे माहौल में, कोरोना से डर भय भी समाप्त है और आंदोलन जीवी भी दिख रहे हैं और आलोचना जीवी भी दिख रहे हैं। कल भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम साहब आए थे एंड सर आई एम अ न्यू मेंबर टू द हाउस बट आई डिड नॉट लाइक द लैंग्वेज दैट ही यूज्ड विथ रिगार्ड टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड इट वाज एन एक्सट्रीम केस ऑफ रूडिटी व्हेन ही सेड नो इट द कोरोना डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ यू एंड इट इज नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ यू। Sir, I am too small a person and too new a person to say anything on such a knowledgeable person. But all I would like to say is that he should have been gracious enough to also say that because of whom we all the living are seeing the corona go, the COVID management of Prime Minister Narendra Modi. Sir, aaj hum log जिस बजट की चर्चा करें इसके पहले 3-4 मिनी बजट भी आ चुके हैं और कल डॉक्टर गीता गोपीनाथ की भी उन्होंने चर्चा की, काफी सुझाव हेतु उन्होंने कहा, लेकिन यह नहीं बोला कि डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने अपने IMF के रिपोर्ट में कहा, यह रिपोर्ट है सर, उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग एट 11.5% इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये भी नहीं कहा कि ऐसा गीता गोपीनाथ ने क्यों कहा। खैर सर, दिस बजट रिफ्लेक्ट्स ड्यू टू द पैंडेमिक
to convert crisis into an opportunity with a complete change approach that the government seems to be batting on the front foot, not at the expense of equitable growth, fiscal prudence, but by spending. Being conscious of the fact that even if the fiscal deficit balloons from 3.5% to an estimated 9.5% for financial year 2020-21, with an absolute focus on growth and employment, sir. It's a change approach, sir. Markets have reacted euphorically to the budget. But we have all forgotten so far that we are in the second year of a global pandemic, sir. This budget provides a foundation for the country that India will be in the next decade and signals a move to return India to a higher growth trajectory. Agar fundamental level par dekhen to growth ko fiscal consolidation ke upar aaj chunna sensible nirnay hai kyunki India ka per capita GDP bahut low hai and it continues to hover around $2,000. मैं ज्यादा नहीं प्रोविजंस की बात करूंगा सर. बहुतों ने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएफआई, स्वास्थ्य, वेलबींग, सब के बारे में बोला. लेकिन सर, बिना पूर्वोदय के सही उदय भारत का नहीं हो सकता सर. और निरंतर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है, किया है और जीते हैं इस बात. हम पूर्वोत्तर भारतीय हैं सर और प्रधानमंत्री जी का एकदम भरपूर आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आज तक कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वन नेशन वन गैस ग्रिड से बिहार में भी गैस मिलेगा. वन नेशन वन राशन से हमारे श्रमिक भाई जहां जाएं वहां राशन पाएंगे. दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा सर, फंक्शनल भी हो जाएगा, घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा. पटना में एम्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, आईसीएमआर की हाई पावर्ड संस्था होगी, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खुले. नहीं सोचा था सभापति महोदय, यही हाल सभी पूर्वोत्तर राज्यों का है और इस बार बंगाल भी विकास का नया अनुभव महसूस करेगा. जनित में सिर्फ अवरोधक न खड़ा किया जाए. वन मोर मिनट प्लीज सर. मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, काफी चीज छोड़ दिया सर आपके आदेश के अनुसार. सर, हाहाकार है एग्रीकल्चर लॉ को लेकर. मैं उस पर कुछ लॉ पर नहीं बोलना चाहता हूं सर, एज इट इज अ टिपिकल केस ऑफ एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सेड इन दिस ऑगस्ट हाउस कि इट इज अ केस ऑफ रेंट अ कॉज फॉर एजिटेशन. कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं सर. इंडियाज फार्म सेक्टर इज प्लेटफुल ऑफ पैराडॉक्सेस. मैं शुरुआत करता हूं सर. हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दूध, ऑयल, सीड्स, दाल, कॉटन, आम, पपीता और केला के. और साथ साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चावल, चीनी, चाय, सब्जी और मछली का. एफसीआई के पास आज भी कोरोना काल में बांटने के बावजूद भी गेहूं और चावल जो गोडाउन में है वो अगले 2 साल पीडीएस पर आश्रित परिवारों को खिला सकता है. शायद ये सुखद लगा होगा सुनने में. अब कॉन्ट्राडिक्शन सुनिए सर. कृषि, जब भारत आजाद हुआ तो जीडीपी में उसका शेयर था 54% और आज उसका शेयर है 17%. लेकिन इंप्लॉय करता है 56% देश का वर्कफोर्स को. समय बीतने के साथ कल्टिवेबल लैंड का साइज भी टूटता गया और औसत मात्र 2 हेक्टेयर तक रह गया है 87% किसानों के पास. कृषि से आमदनी एक कृषक का पिछले 10 साल में रियल इनकम जिसको कहते हैं जस के तस है. और आज 52.5% भारतीय किसान कर्ज में. औसत कर्ज प्रति कृषक परिवार का ₹1.04 लाख है जो शहरी परिवार से 36% ज्यादा है. ये सारे डेटा सर भाजपा के किसी पत्रिका का नहीं है, नाबार्ड के 2016 का रिपोर्ट ऑन रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन. जस्ट अबाउट टू फिनिश सर, इन 2 मिनट्स सर. अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट. यू कांट टेक टाइम योरसेल्फ सर. सर जस्ट कंक्लूडिंग सर, 28 व्यक्ति जो कृषि में है प्रतिदिन सुसाइड करते हैं सर. ये 19 में भी देखा गया. एग्रीकल्चर में प्राइवेट फंडिंग इज ओनली 2.4%, पब्लिक सेक्टर फंडिंग इज 19.4% एंड कृषक का घर का लगा हुआ पैसा है 78.2%. सर, पेरिशेबल्स का एक्सपोर्ट का क्या हाल है वो तो मैं नहीं बोलूंगा सर. अब इस हालात के बाद सर अवरोध पैदा करना, ठीक है, हम और आप तो सलट लेंगे, लेकिन उस बेचारे किसान का क्या होगा? भारत के किसानी का यह डेटा नहीं है सर. आज का अध्ययन किया हुआ कृषक जन कुंडली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी सोच के तहत जनवरी 2018 में आया और ₹6,000 किसानों के 10 करोड़ से ऊपर किसानों के खाता में जा रहा है सर, निरंतर जा रहा है और उस पर उन्होंने विश्वास किया है. आपके 72,000 को उन्होंने नकारा सर. बहुत सर, बस खत्म कर रहा हूँ सर. कोविड वैक्सीन की बहुत बात हो गई लेकिन
एक बात किसी ने नहीं कहा सर, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन भी राष्ट्रव्यापी इस बजट के मार्फत होने जा रहा है। इसके अभाव में 50,000 बच्चे सालाना मौत के घाट उतर जाते हैं सर, और कोई चर्चा भी नहीं होती है सर। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सर। R&D की बात करें अगर सर, तो 50,000 करोड़ का NRF का स्थापना। जस्ट द लास्ट वन डिसइन्वेस्टमेंट पर सर, एयर इंडिया की अगर बात बहुत अच्छी होती है, बेच दिया सर। एक एवरेज मेंटेनेंस को जोड़ के अगर एक एवरेज एयरक्राफ्ट की बात करें सर, तो आइडियली 550 से 600 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो एयर इंडिया का जब इनका राज था सर, चरम पे जो 3200 लोग तक पहुंच गया था पर एयरक्राफ्ट सर। अब इस हालात में सर ये बताइए कि PM को तो